अगर आप 1 जनवरी 2020 को 18 साल के हो गए हैं तो अब आप एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताऊँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे लाइव चैट करना चाहते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो हमें आप इंस्टाग्राम पर जाइएगा और फॉलो कर सकते हैं। टेक्निकल फास्ट भी टाइप करिएगा और हमारी आईडी आपके सामने आ जाती है, तो आप फॉलो करके हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। वहाँ पर हम आप लाइव आकर के आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन प्रेस कर लेगा ताकि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे सर्च बार में वोटर हेल्पलाइन। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं तो आपके सामने वोटर हेल्पलाइन का जो एक एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल हो जाता है, तो इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं। तो देखिए, जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो हम सिंपली यहाँ पर एप्लीकेशन पर आते हैं, उस पर टिक करते हैं। तो जैसे ये ओपन हो जाता है तो ओपन होने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आप सिंपली यहाँ पर आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि पहले से इस पर लॉगिन अकाउंट है या फिर आप न्यू यूजर्स हैं। तो आप सिंपली न्यू यूजर्स हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप लॉगिन पर भी क्लिक करके आप डायरेक्टली इसमें लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप न्यू यूजर पर जाकर इस पर पहले अकाउंट क्रिएट करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि कभी आपका फॉर्म सबमिट होता है, हो जाता है और उसमें आपका जो एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है तो उसमें आपका जो URL नंबर है या फिर आपका जो रेफरेंस नंबर होता है वो आपको आसानी से मिल जाता है। आप स्किप लॉगिन पर जाकर के आप सिंपली आगे चले जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंडेड करूँगा, आप सिंपली न्यू यूज़र पर जाइएगा। जाने के बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करिएगा और सेंड OTP पर क्लिक करके यहाँ पर आप ईमेल ID और पासवर्ड डाल करके इस पर अकाउंट बनाइएगा, उसके बाद ही आप लॉगिन होइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से अपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है तो आप सिंपली यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जितनी भी बॉर्डर कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज है वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। तो हमें यहाँ पर न्यू अप्लाई पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन न्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप फिर से न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ पूछा जाता है या आपको फिल करना हो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ऊपर आपसे पूछ गई है 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 करके लिखा हुआ। तो आपके वोटर आईडी कार्ड जो अप्लाई करेंगे वो 6 स्टेप में अप्लाई करेंगे। जैसे ये 6 स्टेप कंप्लीट हो जाती है तो आपका वोटर आईडी कार्ड कम्प्लीटली सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे 6 स्टेप को फॉलो करते हैं और कैसे हम अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर सिंपली अपना स्टेट का नाम चुनेंगे। जैसे कि मैं UP से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा। जिस भी आप जिले से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आप जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी तहसील या फिर जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट आपको नाम डालना पड़ेगा, जो भी नाम है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। इस तरह जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम डाला है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम डलेगा और यहाँ पर सर नेम में आपको लास्ट नेम डालना होगा। जो भी आपका लास्ट नेम हो वो इस तरह से आपको डालना होगा और जो हिंदी में ये ऑटोमेटिकली जैसे आप क्लिक करते हैं तो हिंदी में ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाता है। तो यहाँ पर आपको हिंदी में कुछ गलत लगता है तो आप इसको सिंपली कट करेंगे। कट करने के बाद आप इस तरह से हिंदी में टाइप करके जैसे ही आप स्पेस देते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना जो गूगल इनपुट टूल है वो यहाँ पर आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करेंगे तो अब आप जो भी यहाँ पर टाइप करते हैं तो वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ईजिली यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से आप अपना हिंदी में भी नाम ठीक से कर सकते हैं। तो हिंदी में नाम डालने के लिए आपको गूगल इनपुट टूल सेटअप आपको इसमें इंस्टॉल करना होगा अपने प्ले स्टोर से जाकर के। तो आप उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। चलिए मैं यहाँ पर भी ये फिल कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे और फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई हर्बी पर क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग चलेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको हाउस नंबर डालना होगा, जो भी आपका हाउस नंबर है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मेरा 455 हाउस नंबर है तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एरिया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपका एरिया डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं एरिया डालता हूँ तो यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर गांव का नाम डालेंगे, जो भी आपका गांव का नाम है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। तो चलिए मैं अपने गांव का नाम डाल देता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालेंगे, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आई एम ऑर्डिनली
रेसिडेंसी एट एड्रेस गिवन एबव सेम, यानी कि इस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं, आप जन्म से रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो भी जन्मतिथि है वो यहाँ पर आप सिंपली टाइप कर देंगे। अदरवाइज आप किसी अपनी जन्म के बाद यहाँ पर आए हैं तो वो डेट आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पर आप सेम एज एवर पर क्लिक करेंगे, तो जो आपने ऊपर फिल करा था वो सेम टू सेम यहाँ पर आप शो हो जाएगा। जो भी आपने एड्रेस ऊपर भरा था वो आपको नीचे ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर जैसे ही आप देखते हैं सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं ऊपर कि हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर आप जो भी आपका रिलेटिव है उसका यहाँ पर आप नाम डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका पापा का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम डालना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा, और यहाँ पर अपने पापा के नाम का जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर आप डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना लास्ट नेम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो रिलेशन है, जो भी आपने ऊपर नाम डाला है उससे क्या रिलेशन है, मान लीजिए मेरे फादर से तो फादर टाइप करेंगे, अदरवाइज आप किसी हस्बैंड और लेडीज का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हस्बैंड डालेंगे, या फिर मदर वाइफ सन डॉटर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिलेशन में फादर डाल रहा हूँ तो फादर का टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कि विजुअल इंपेयरमेंट, बोलने में, सुनने में, देखने में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर टिक करके आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, सुनने में, बोलने में, देखने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, अपना फोटो आपको यहाँ पर अटैच करना होगा, उसके बाद आपको एज प्रूफ अटैच करना होगा और एड्रेस प्रूफ। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एज प्रूफ में आपको दिया गया है बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th, 8th, 5th, आप मार्कशीट लगा सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में अपना इंडियन पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या फिर पोस्ट करंट पासबुक, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, वो सारे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, कुछ भी आप लगा सकते हैं। फोटो लगाने के लिए यहाँ पर आप फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने एल्बम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फोटोज पर जाकर के आप यहाँ से फोटो सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पर सिंपली जैसे आपका फोटो फिट आ जाता है तो यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाता है, ये देख पा रहे हैं। इसी तरह से आप एज प्रूफ लगा रहे हैं तो एज प्रूफ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और गैलरी में जाएंगे, जहाँ पर भी आपके मार्कशीट लगा हुई है वहाँ पर जाकर के आप लगा देंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर 10th की मार्कशीट लगाऊंगा तो मैं यहाँ पर सिंपली टिक करूंगा 10th की मार्कशीट पर, यहाँ पर एज प्रूफ पर जाऊंगा और एल्बम में जाकर के इसको सिंपली अटैच कर दूंगा। इसी तरह से आपको एड्रेस प्रूफ में जो भी आप लगा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को सेलेक्ट करूंगा और एड्रेस प्रूफ पर जाकर के आप यहाँ पर एल्बम में जाकर के इस तरह से लगा सकते हैं और फिर सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। याद रखिए कि अपलोड जो साइज है ये इसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए .jpg फाइल होनी चाहिए या .png फाइल या BMP या फिर JPEG फाइल होनी चाहिए, और इसका जो मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो 2 MB का साइज होना चाहिए, अदरवाइज इससे ज़्यादा का साइज होता है तो ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर कि अगर आपकी एज 18 साल है तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे, अदरवाइज आपकी डेट 21 आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 साल से एज ज़्यादा होती है तो यहाँ पर आपको एक और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। चलिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं और यहाँ पर अपनी जन्मतिथि थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ पर मैं आपको 21 साल से एज ज़्यादा करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 90 डेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करके जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एज डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर एक ऑप्शन और बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना होगा, यहाँ पर परमिशन देनी होगी। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या कुछ है और क्या कुछ आपको इसमें फिल करना होगा, कैसे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद इसमें फिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम डालना होगा और अपने पापा का नाम डालना होगा और आपको ठीक अपना जो एड्रेस है वो डालना होगा और अपनी जो पंचायत है वगैरह ये सब कुछ फिल करने के बाद में यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने के बाद में इसको प्रिंट कर लेना है। डेट प्लेस डेट डालनी है और सिग्नेचर डालने के बाद इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में इसको इसका फोटो ले लेना है। फोटो लेने के बाद इसको सिंपली आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डाउनलोड करा उसको कैसे कैसे फिल करा इसका लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसी तरह से आप एज डिक्लेरेशन फॉर्म पर जाएंगे और एल्बम पर जाएंगे और सिंपली इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। आप अदरवाइज आपकी एज 21 साल से ज़्यादा है तब ये एज डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर अपलोड होगा और आपकी एज 18 साल है तो आप यहाँ पर इसको नहीं आपको अटैच करना, ये ऑप्शन ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक कर देते हैं और आपको आगे जा करके बताते हैं आपको कैसे इसको अप्लाई करना है। उसके बाद में जैसे आप नेक्स्ट
नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जो भी आपके गांव का नाम है वो यहाँ पर आप अपने गांव का नाम टाइप करेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे कि इसका मतलब ये है कि आपने पहले कभी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करा है। उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे ये है कि आपने जो भी जानकारी भरी है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से ठीक ठाक भरी है। उसके बाद यहाँ पर आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं अपने गाँव या फिर कस्बे का नाम यहाँ पर आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी और यहाँ पर सिंपली डन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपने फॉर्म भरा था, जो भी जानकारी भरी थी, वो यहाँ पर आपको सामने शो होकर के आ जाती है। आप एक बार इसको ठीक से चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको सारी जानकारी ठीक लगती है तो आप सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आपको कुछ गलत लगता है तो यहाँ पर आप टिक पर क्लोज के निशान पर टिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इस वाले निशान पर टिक करके आप पीछे जा सकते हैं और यहाँ पर आगे जा करके इसको ठीक करके इस तरह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सब कुछ ठीक लगता है तो यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ओपन होकर के आ जाएगा, थैंक यू योर एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, हो चुका है आपका और आपको रेफरल आईडी भी दी गई है। आप इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको आप भविष्य के लिए मान लीजिए आप कभी भी इसको इस रेफरल आईडी से ट्रैक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सिंपली हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर से हम एक्सप्लोर पर जाते हैं और यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर नीचे आने के बाद स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो भी आप रेफरेंस आईडी कॉपी करी थी वो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, उसको आप नोट भी कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबमिटेड हो चुका है 8/5/2020 को और यहाँ पर उसके बाद BLO अपॉइंटमेंट लेगा, BLO के पास जाएगा, वो फील्ड वेरीफाई करेंगे BLO साहब, उसके बाद एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, यहाँ पर आपको स्टेटस शो हो जाएगा। दोस्तों इस प्रोसेस में लगभग 3 महीने का समय लग जाता है, 3 से ज़्यादा भी लग जाता है और कोई बंदा लकी होता है तो उसका 3 महीने से पहले भी आ जाता है। अगर आपका पहले आ जाता है तो आप समझिएगा आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपके वोटर आई डी कार्ड पहले आ चुका है। दोस्तों इसके लिए आप BLO अपॉइंटेड के लिए आप अपने जो BLO है उससे भी मिल सकते हैं। अब दोस्तों इसका दूसरा तरीका बता दो, एक तो तरीका ये ऑनलाइन होगा जिस तरीके से आप अपने घर बैठे मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने BLO के पास जाइएगा और अपने डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने BLO को दे दीजिएगा और एक फॉर्म भर के दे दीजिएगा, वो फॉर्म अपने आपके BLO के पास ही मिलेगा। इस तरह से आप अपने BLO को दे देते हैं तो वो अपने स्तर से अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद वो आपके घर पर बाई पोस्ट आ जाता है। दोस्तों अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा कि डुप्लीकेट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और करेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल के और वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों ये दोनों तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे आप वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।